फोन पे, गूगल पे, पेटीएम हम लोग से कैसे पैसा कमाते हैं, आइए जान लेते हैं इस वीडियो में। आप अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाला आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। बेसिकली हम लोग जब दिन में बहुत सारा मोबाइल में UPI ट्रांजेक्शन करते हैं, सामने वाला पर्सन को 500 रुपया भेजना होता है तो सामने वाला पर्सन के पास 500 रुपया ही मिलता है, 500 रुपया उनको पास क्रेडिट होता है। फिर भी इन बीच में से इन सारा कंपनी अपना कमीशन निकाल लेते हैं। कैसे? बेसिकली इन लोग तीन तरीक़े से इनकम लेते हैं। पहला जो तरीका होता है रिचार्ज करके। जब भी हम लोग प्रीपेड या पोस्टपेड रिचार्ज करते हैं, जीपे इन सारा कंपनी से अपना कमीशन लेते हैं, लेकिन फ़ोनपे या पेटीएम डायरेक्ट कस्टमर से अपना कमीशन लेते हैं। कस्टमर मीन्स हम लोग जैसा आदमी से। आप देखेंगे जब भी आप फ़ोनपे में रिचार्ज करते होंगे, आपको 1 से लेकर 2 रुपया तक आपका एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, और पेटीएम की बात करें आपको वहाँ से 1 से लेकर 6 रुपया तक आपका एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। फिर भी पेटीएम फ़ोनपे जैसा कंपनी अभी लॉस में है और जीपे कंपनी अभी प्रॉफिट में है। और दूसरा जो तरीका होता है, हम लोग जब भी बिल पे करते हैं, बिल पे करते मीन्स आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हैं, बिजली का बिल पे करते हैं, गैस का बिल पे करते हैं, इनमें से भी इन सारा कंपनी अपना कमीशन लेते हैं। और तीसरा जो तरीका होता है, जब भी हम लोग फ़ोनपे रिचार्ज करते हैं, चाहे आप ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे आप इंश्योरेंस करते हैं बाइक का, और भी एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे फीचर्स रहता है, उस पर सब जब आप लोग डाटा कंज्यूम होता है उसका भी कुछ कमीशन उन सारा कंपनी को मिलता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम स्टे ब्लेस्ड।